मेरे साथ मौजूद हैं अभी मोतिहारी जिला के जिला अध्यक्ष राजद की। सारी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से संगठन विस्तार कर रही है और अपने संगठन को मजबूती दे रही हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं और चर्चा करते हैं कि इनके आलाकमान ने इनको क्या निर्देश दिए हैं और इनको क्या कह के फील्ड में भेजा है। नमस्कार सर, क्या क्या निर्देश मिला है आपको आलाकमान से? निर्देश मिला है संगठन का जो विस्तार हम करेंगे उसमें 45% संगठन में पदाधिकारी बनाने में हम आरक्षण देंगे। अति पिछड़ा, दलित, वंचित समाज के लोग और समान, हमारी पार्टी आज तक लोग प्रचार कर रहे थे गलत ढंग से MY की पार्टी है, बल्कि यह था नहीं, लेकिन प्रचार लोग किया था MY है ए पार्टी का बेस, लेकिन हमारी पार्टी जो है A to Z पार्टी है। सभी जात सभी धर्म के लोग इस पार्टी संगठन में हैं और अब खूबी है कि इसको विशेष ध्यान दे करके माइनोरिटली हम सभी वर्ग के लोगों को स्थान इसमें देंगे, पार्टी को मजबूत कराएंगे और कोने कोने तक बूथ स्तर पर हम वंचित लोगों का जो बेहाल है कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पर हमारी टीम जा करके सब पता लगाकर शासन से प्रशासन से लड़ करके उसका हक दिलाने का हम लोग काम करेंगे। दिल्ली चुनाव में आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं रही, बिहार में क्या लगता है? दिल्ली चुनाव केजरीवाल तो पूरे देश का हीरो बना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल साहब को। वहाँ पर हमारी पार्टी लड़ी, पार्टी का अपना फैसला ही, बड़े नेता उसका जवाब अच्छी तरह से देंगे, लेकिन केजरीवाल भी विरोध में हम लोग जिस तरह लड़ना चाहिए था उस तरह हम लोग नहीं लड़ पाए और हमारी हार हुई, उसके लिए कोई बात नहीं है। हम बिहार में जो अगला चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं शायद किसी दल के पास यह मुद्दा नहीं है, आरक्षण का मुद्दा हो संगठन में और वंचित लोगों के हक की लड़ाई के लिए बूथ स्तर तक जो हम बूथ कमेटी बना रहे हैं, हमको उम्मीद है ये 2020 का चुनाव आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। अभी बिहार की स्थिति यह है कि महागठबंधन में बहुत नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह की स्थिति रहेगी महागठबंधन की? देखिए, चुनाव का जब समय आता है तो हर पार्टी जो गठबंधन होता है हर पार्टी चाहता है जो दबाव बना करके हम अधिक से अधिक सीट लें, मिलता वही है जो उनका हक होता है। हम लोग 160 से अधिक सीट पर लड़ेंगे राजद के लोग, बाकी सीटों पर अलायंस होगा जो ऊपर का निर्देश जो संकेत मिल रहा है। और जहाँ तक लड़ाई की बात है, मेन लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और राजद का है। अब ये दोनों के सहारे जितने भी गठबंधन के लोग हैं, चाहे NDA के हों चाहे महागठबंधन के हों, ये लोग मिलकर लड़ते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है पूरे देश में आप देख लीजिए जो भी क्षेत्रीय चुनाव हो रहे हैं राज्य का, सब में पराजित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उससे ज़्यादा साफ सुथरे ढंग से उससे ज़्यादा अच्छा संदेश जाएगा राजद के लिए, हम लोग भारी बहुमत से विजयी होंगे। हम बात करें अगर मोतिहारी की तो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे उनको उत्साहित रखेंगे आप? हमारे कार्यकर्ता ऐसे ही उत्साहित हैं और यहाँ पार्टी में मिलने के लिए सभी दल छोड़ करके लोग रोज़ हमारे यहाँ दौड़ लगा रहे हैं, उसके लिए हम एक टीम बनाने जा रहे हैं, एक बैठक के माध्यम से मिलन समारोह करेंगे, आप देखिएगा चंबा कीजिएगा, सभी दल के लोग बड़े बड़े नेता इस दल में मिलने के लिए तैयार हैं और मुझे भारी उम्मीद है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का सफाया कर देंगे। मोतिहारी की मैं बात करूं, पूर्वी चंपारण की बात करूं, चूँकि यहाँ के आपकी लड़ाई यहाँ किससे है? हमारी लड़ाई नीतीश कुमार से कभी नहीं है, न रहा है, भारतीय जनता पार्टी से रहता है, लेकिन इस बार बहुत कमज़ोर पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे पूर्वी चंपारण के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव जी।